हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे रूट टू, रूट थ्री एंड रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है यार तो ये क्यों कर रहे हैं यार, हमें पता है इरेशनल नंबर है। लेकिन पता नहीं सीबीएसई को इससे कितना प्यार है और सीबीएसई को इसमें इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, इस चक्कर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पहले कह रहा है रूट टू रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर प्रूव डेट। तो सबसे पहले मैं करता हूँ रूट थ्री को। तो मैंने क्या किया, लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। मैंने कहा कि रूट थ्री मेरा रेशनल नंबर है, रूट थ्री मेरा रेशनल नंबर है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं रूट थ्री को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि मैं रेशनल नंबर को पी और क्यू की फॉर्म में लिखता हूं। मैं कह सकता हूं जहां पे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम। तब पी और क्यू को प्राइम है, तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो वन होगा, यानी ये इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो वन होगा। ठीक है, इतना पॉइंट लिखना है कि को प्राइम है, तो आप लिख सकते हो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब मैंने ये किया, अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं कॉन्ट्रडिक्शन वाले में, हम उस पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये मेरे पास हो गया थ्री, ये हो गया मेरे पास पी स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास क्यू स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या मेरे ये समझ में आ रहा है, मेरे पास ये पॉइंट आ गया, मैं लिख सकता हूं थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर अब यहां पर थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल 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 बाय थ्री। अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री है, तो मुझे बताओ क्या पी इज डिविजिबल बाय थ्री होगा, बिल्कुल होगा, पी इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, पी भी थ्री से डिविजिबल होगा। अगर मैं कह रहा हूं किसी का स्क्वायर, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर, को प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो मैं कह सकता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, या फिर हम कह सकते हैं पी इज डिविजिबल बाय थ्री। मुझे बताओ यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले रूट थ्री को पी अपॉन क्यू माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, हमारे पास ये थ्री आया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आया, देन मैंने क्यू स्क्वायर को इधर लेके गया, तो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं कह रहा हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री है, तो पी डिविजिबल बाय थ्री होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूं पी डिविजिबल बाय थ्री है, यानी मैं कह सकता हूं कि पी इज इक्वल टू थ्री आर, आर मैंने एक कॉन्स्टेंट मान लिया। अगर पी तीन से डिविजिबल है, यानी पी थ्री टाइप का होगा, तभी तो पी तीन से डिविजिबल है, यानी पी थ्री इंटू एक्स, थ्री इंटू वन, थ्री मतलब थ्री इंटू वन करेंगे तो थ्री से R की जगह पे 1, 2, 3 को कुछ भी ले सकते हैं, तो P 3 के मल्टीपल टाइप का होगा। ठीक है, R का 3 से मल्टीपल करते हैं, तो मैं कह सकता हूं फिर से मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो मेरे पास हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, मैंने यहां पे क्या लिख लिया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहां पे समझना, पी स्क्वायर की वैल्यू थी थ्री क्यू स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। मैं यहां पे लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, मतलब मैंने इससे इसको 3 टाइम्स कट कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। क्या मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, हाँ ना बोलो। सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट तीन को एक रेशनल नंबर माना, रूट तीन को मैंने रेशनल नंबर माना, तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं पी आर क्यू आर को प्राइम नंबर्स, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब एचसीएफ उनका वन होना चाहिए। अब पी और क्यू को प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ वन है, फिर मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर मेरे पास रूट से यह हट गया, थ्री आ गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देन मैंने क्या कहा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, तो पी स्क्वायर डिविजिबल, तो पी डिविजिबल बाय थ्री, ये भी पॉइंट सही होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पी थ्री आर टाइप का होगा, आर कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है, फिर से मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो मेरे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर आया, और मैंने पी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, समझ रहे हो, इस पी स्क्वायर की जगह पे मैंने ये वैल्यू थ्री क्यू स्क्वायर पुट कर दी। मेरे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। अब मेरे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे Q
क्यू स्क्वायर, सुनना ध्यान से, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, मैं कहूं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, आप कहोगे बिल्कुल क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्यू इज डिविजिबल बाय 3, क्यू इज डिविजिबल बाय 3, हाँ बिल्कुल, अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। अब सुनना ध्यान से, आधा क्वेश्चन तो हम यहीं पे प्रूफ कर चुके थे कि P इज डिविजिबल बाय 3, हमने P और Q को क्या माना है, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि उसका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो जो कॉमन फैक्टर है, नॉट पॉसिबल एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तो कोप्राइम का नंबर, कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि मुझको दिख रहा है कि यार P का तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया 3 और मेरे पास Q का भी एक फैक्टर आ गया 3, तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमें क्या पता लगा, यहां पे सुनना ध्यान से सुनना, मैं कह सकता हूं कि हेयर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं 1 और 2 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इस वाली को 1 मान लेता हूं, हेयर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर रहे हैं, अब इक्वेशन 1 और 2 अगर मैं यूज कर रहा हूं, अगर इक्वेशन 1 और 2 में यूज कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, अगर इक्वेशन 1 और 2 में यूज कर रहा हूं तो मुझे पता लगेगा पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3, तो मुझे पता लगेगा P और Q जो है एक कॉमन फैक्टर रखते 3, जबकि कोप्राइम नंबर्स का मतलब है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, क्लियर हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं, मैं अब थोड़ा सा पॉइंट जो है वो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां से आगे मैं यही लिख देता हूं ताकि समझना, ये वाला जो पोर्शन है आपको बाद में लिखना है, इस वाले पोर्शन के बाद ये वाला पोर्शन लिखना है, तो मैं लिखता हूं मेक्स These assumptions are wrong. Make these assumptions are wrong. मैंने क्या लिखा? Makes these assumptions are wrong. यानी मेरे जो ये assumptions हैं जो मैं मान रहा हूं, और ये assumptions अगर हम जो मानते हैं वो wrong आते हैं, इसी को हम contradict कहते हैं. तो मैंने जो माना था कि P और Q का common factor 1 होगा, वो नीचे आके मुझको दिख रहा है कि P और Q have common factor 3. P और Q 3 एक कॉमन फैक्टर रख रहे हैं, जबकि तो मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग मेक दिस असम्पशन रॉन्ग, सो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अगर ये असम्पशन रॉन्ग नहीं होते तो रूट 3 मेरा रेशनल नंबर होता, लेकिन मेक दिस असम्पशन आर रॉन्ग, सो वी कैन प्रूव रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, सेम प्रोसेस मैंने सीखा, रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, अपॉन क्यू फॉर्म में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये प्रोसेस से आपने लिखना है, लास्ट में ये लिखना है, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अब सोचना क्या है, अगर आपको रूट 2 या रूट 5 लिखना है, अगर आपको रूट 2 करना है तो रूट 2 के केस में आपको यहां पे रूट 2 मानना है, या 2 आ जाएगा, फिर यहां 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, तो जहां जहां पे ये है 3 वहां वहां पे 2 आ जाएगा, ये 2r टाइप का हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, देन उस केस में आप पूरा रूट 2 लिख सकते हो, सेम फिनोमेना आपको रूट 5 में करना है, यहां पे 5 डालने पे ये 25 आर स्क्वायर टाइप का आएगा, क्लियर हो रहा है पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आई पूरी वीडियो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।